हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ। प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो कि छः होते हैं, साइन इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कोसेक इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स, उसके डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। यदि पिछली क्लास की वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो ये क्लास भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो उस वीडियो को देखने के बाद ही आप इसको देखिएगा। इसी क्रम में मैं आगे कुछ और भी रिजल्ट लेकर आया हूँ। और यदि आप पिछला रिजल्ट याद किए होंगे, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज को आपने याद किया होगा, तो ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी और बहुत कम समय में समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कुछ रिजल्ट। जैसे लिखा होगा साइन थीटा इक्वल टू एक्स, एक ये है दिया होगा। तो हम क्या करते हैं कि साइन को इधर जब भेजते हैं तो वो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये थीटा, ध्यान रखना है कि थीटा क्या है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स होगा। साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो यदि साइन इधर जाएगा, मतलब थीटा, साइन जब इधर जाएगा तो इधर क्या बच जाएगा, थीटा बढ़ जाएगा, और साइन इधर आएगा तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कब कब साइन को इधर भेजेंगे, उसके लिए यहाँ कंडीशन लिखी हुई है। ये गलत लिख दिया गया है। ये क्या है आपका, थीटा है, ठीक है, और ये भी आपका क्या है, थीटा है। चलिए ये नीचे हम सही कर देंगे, ये सब थीटा है। लिखते वक्त थोड़ा बहुत एरर हो जाता है, ठीक ना। हाँ, तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स कब होगा, जब थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होगा। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आप देखिए, जैसे कहीं दिया है साइन पाई बाई फोर इक्वल टू वन बाई रूट टू, ठीक है। अब क्या करोगे कि आप यहाँ पर साइन को इधर भेजो तो कितना हो जाएगा, पाई बाई फोर इक्वल टू साइन इनवर्स वन बाई रूट टू, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यदि दिया है साइन पाई बाई फोर इक्वल टू, साइन पाई बाई फोर की वैल्यू वन बाई रूट टू होता है। अब साइन को जैसे ही इधर भेजोगे तो पाई बाई फोर इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स वन बाई रूट टू। चलिए ये तो पहला है। अब थोड़ा एक और चीज़ देखिए, साइन थ्री पाई बाई फोर, साइन थ्री पाई बाई फोर इक्वल टू भी क्या होता है, वन बाई रूट टू होता है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पर साइन को इधर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये एंगल 90 से अधिक हो गया, क्योंकि ये साइन इधर तभी जाएगा जब ये एंगल माइनस 90 और 90 के बीच में लाइज करेगा, और थ्री पाई बाई फोर मतलब 135 डिग्री होता है। इसका मतलब एंगल तो कहाँ गया, 90 से अधिक हो गया। मतलब ये हुआ कि यदि आप यहाँ पर लिखते हो थ्री पाई बाई फोर इक्वल टू साइन इनवर्स वन बाई रूट टू, तो ये गलत है। ये क्या है आपका, ये गलत कर रहे हो, याद रखिएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि तुरंत कुछ करते नहीं हैं, कुछ भी एंगल दिया होता है साइन को उधर भेज के इनवर्स बना देते हैं। लेकिन ऐसा आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपके लिए कंडीशन लिखी हुई है कि साइन थीटा बराबर एक्स, तो साइन तभी इधर जाएगा जब थीटा माइनस 90 से 90 के बीच में हो। साइन के लिए है ऐसा। अब दूसरा रिजल्ट ये है कि साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा होता है इस तरह से भी, तो ये साइन इनवर्स इस साइन को हटा तो देगा, लेकिन कब हटाएगा, फिर एंगल माइनस 90 से 90 के बीच में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये एंगल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में नहीं है तो ये साइन इनवर्स इस साइन को नहीं हटाएगा, और तब इसकी वैल्यू थीटा नहीं होगी। चलिए एग्जांपल से हम समझते हैं इस बात को। चलिए ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रिजल्ट नोट कर लीजिएगा और नोट्स भी बनाते चलिए। जैसे लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन पाई बाई सिक्स, यदि ऐसा लिखा है तो ये साइन इनवर्स इस साइन को हटा के लिख हो जाएगा इसकी वैल्यू पाई बाई सिक्स, ठीक है। ये तो ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि ये जो एंगल है किसके बीच में है, माइनस 90 से 90, ये क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री, और 30 डिग्री इसी इंटरवल में लाइज करेगा, इसीलिए ये साइन इनवर्स इस साइन को हटा देगा। लेकिन दूसरा ये सही है, ठीक है। लेकिन यदि ऐसे लिखा हो साइन इनवर्स साइन
दिस। अब यहाँ पर जो ये एंगल हो गया 90 से अधिक हो गया, इसका मतलब ये साइन इनवर्स इस साइन से नहीं हटेगा। बहुत से बच्चे यहाँ भी एरर करते हैं, इस साइन इनवर्स से इस साइन को हटा के लिख देते हैं इसकी वैल्यू 3π/4, ये गलत हो गया। इसको हटाने के लिए ये कब हटेगा, जब ये एंगल किस में आ जाएगा, अपने रेंज में आ जाएगा, मतलब इसके बीच में आ जाएगा तब हटेगा। उसको भी बताएंगे कैसे रेंज में लाएंगे, हटाएंगे तो, लेकिन रेंज में लाने का भी तरीका आपको बताएंगे, ठीक है। अभी याद करिए कि ये रिजल्ट क्या कह रहा है, जब ये रिजल्ट आपको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन भी बनना शुरू हो जाएंगे। कल हमने प्रिंसिपल वैल्यू बताया था आपको, बात समझ में आई होगी। हम कल जब क्लास लेंगे तो उसमें प्रिंसिपल वैल्यू के भी क्वेश्चन कराएंगे और इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन कराएंगे। कल एक रिजल्ट हुआ, आज कुछ रिजल्ट हो जाता है, और नेक्स्ट डे में हमने क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करा देंगे। अभी हम केवल रिजल्ट समझा रहे हैं कि रिजल्ट एक्चुअली क्या कह रहा है। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, ये तो साइन की बातें हो गई। इसी तरह ये चार और रिजल्ट यहाँ पर दिया है कि कास थीटा की वैल्यू एक्स है तो थीटा इक्वल टू कास इनवर्स एक्स कब होगा, जब थीटा की वैल्यू जीरो से लेके पाई के बीच में, मतलब थीटा जीरो से 180 के बीच में हो तब। जैसे यहाँ पर था कि थीटा माइनस 90 से 90 के बीच में होना चाहिए। फिर वही चीज़ है सेकंड, जैसे कास इनवर्स कास थीटा की वैल्यू थीटा तब होगी जब थीटा किसके बीच में होगा, जीरो से पाई के बीच में, मतलब जीरो से 180 में होगा, तभी ये कास इनवर्स इस कास से हटेगा। और टैन थीटा बराबर एक्स है तो ये टैन इनवर्स, तभी टैन इधर आके इनवर्स तभी बनेगा जब ये थीटा किसके बीच में हो, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में। और फिर टैन इनवर्स टैन थीटा की वैल्यू थीटा तभी होगी, मतलब ये टैन इनवर्स इस टैन से तभी हटेगा जब थीटा ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में होगा तब। अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, इन सब पे भी जैसे ऐसे लिखा है, काश ये काश 5π/6 मतलब 150 होता है इसकी वैल्यू, और काश 150 की वैल्यू होती है -√3/2, ठीक है। अब ये जो एंगल है, ध्यान से देखिए, कास थीटा बराबर -√3/2, तो कास इधर आ सकता है, क्यों आ सकता है, इसका मतलब होता है 150 डिग्री, और वो 0 से पाई मतलब 0 से 180 के बीच में लाइज कर रहा है। और यदि ये एंगल 0 से पाई में लाइज, क्योंकि कास के लिए कंडीशन बदल गया, देखिए सबके लिए एक ही कंडीशन नहीं होगा, साइन के लिए कुछ होगा, कास के लिए कुछ है, टैन के लिए कुछ है, इसी तरह और तीन हैं उनके लिए कुछ अलग है, तो अलग अलग में आपको अलग अलग रिजल्ट। ये तीन हैं और अभी हम तीन लिखवा देते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो एंगल है इस कंडीशन के हिसाब से सही है, और इसलिए हम लिख सकते हैं, इधर चला जाएगा तो कास इनवर्स -√3/2, ठीक है। एग्जांपल समझ में आया होगा आपको, ठीक है, ये कास इधर चला जाएगा, लेकिन यही एंगल इसके बीच में नहीं होता तो ये इधर नहीं जाता, ठीक है ना। चलिए, टैन इनवर्स टैन अब देखो टैन इनवर्स टैन 5π/6 आ गया। अब ये टैन इनवर्स से ये टैन नहीं हट सकता है, समझ में आ रही बात। हटने के लिए क्या एंगल होना चाहिए, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत बच्चे कह रहे होंगे कि कैसे, ध्यान से देखिए, कभी भी यहाँ साइन इनवर्स है या साइन है तो हट जाएगा, क्लियर है, या पहले साइन है बाद में साइन इनवर्स है तभी भी हट जाएगा, तो 1/√2 इसकी वैल्यू आएगी। बात समझ में आ रही बातें, साइन इनवर्स साइन से और साइन साइन इनवर्स से हटता है, ये याद रखिएगा। टैन इनवर्स टैन से तो हट जाएगा एक पास है तो, लेकिन एंगल एंगल कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर रिजल्ट देखिए, -90 से 90 के बीच में। यदि कोई लड़का टैन इनवर्स जानता है, कि आप तो जानते हो कि टैन इनवर्स से टैन हट जाएगा, तो हटा के यदि 5π/6 लिख देता तो ये गलत करता है, ऐसा नहीं करना है। पहले हम इस एंगल को क्या करेंगे, -90 और 90 के बीच में लाएंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, समझ में आ रही बातें। तो ये याद रखिएगा कि ये गलत है। अब देखिए, मान लीजिए कि ऐसे दिया हो, अब हट जाएगा क्योंकि ये 45 है और +45 इसी के बीच में लाइज करेगा, -90 से 90 के बीच में, तो ये 45 हो जाएगा, तो ये सही है, ठीक है ना। याद रखिए, साइन हो या कोई भी
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और उसी के साथ इन्वर्स हो तो हट जाएगा, या पहले इन्वर्स हो और बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक हो तभी भी हट जाएगा, ठीक ना। वही हम बता रहे थे कि साइन इन्वर्स है और साइन है तो ये आपस में हट जाएगा, कास इन्वर्स है कास है तो हट जाएगा, लेकिन हटने का कंडीशन है, क्या कंडीशन है वो आपको आगे दिया हुआ है। इस टेबल को आपको अच्छे से याद करना होगा, और तीन हैं हम और लिखवा देते हैं तीनों, आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। तीन और रिजल्ट है उसको देख लेते हैं। कल के टेबल जिनको याद होगा उनको ये लिखने में, तीन हो गया, चौथा है आपका कि चौथा का पहला कोसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स है, दिस इंप्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। कब होगा भाई, ध्यान से देखिए, जब थीटा बिलोंग करेगा ठीक है ना इसमें। दूसरा कोसेक इनवर्स, कोसेक थीटा इक्वल टू थीटा होगा कब, वही लिखना है, थीटा बिलोंग करेगा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, लेकिन जीरो माइनस, जीरो माइनस करने का मतलब इस इंटरवल में माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में सब कुछ है लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब पांचवा है, पांचवे पहला सेक पे आ जाते हैं, तो सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स है, दिस इंप्लाई दैट थीटा, ये इधर तो जाएगा लेकिन कब जाएगा वो देख लेते हैं, जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा, लेकिन उसके लिए एंगल होना चाहिए जीरो से पाई और इसमें पाई बाई टू नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आपका है। दूसरा है कि सेक इनवर्स से सेक हट तो जाएगा लेकिन कब हटेगा, इसके लिए भी सेम कंडीशन है कि थीटा होना चाहिए जीरो से पाई में, जीरो से पाई में और पाई बाई टू नहीं होना चाहिए। और लास्ट है यहाँ पर कि कॉट थीटा बराबर एक्स है, तो थीटा बराबर कॉट इनवर्स एक्स हो तो जाएगा लेकिन कब होगा, ओपन इंटरवल जीरो से पाई में, ठीक है। और इसमें एक लास्ट है कि कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा हो तो जाएगा लेकिन थीटा कब होगा, जब ओपन इंटरवल जीरो से पाई हो तब होगा, ठीक है। तो ये इतने रिजल्ट हुए, और जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हम कह रहे थे इसी तरह यहाँ भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, सपोज दैट दिया है सेक इनवर्स सेक थीटा सेक इनवर्स थ्री पाई बाई टू, तो क्या थ्री पाई बाई टू लिख सकते हैं, सेक इनवर्स सेक हट जाएगा, नहीं हटेगा, क्यों नहीं हटेगा कि ये एंगल 270 हो गया, ठीक है ना। और सेक इनवर्स सेक थीटा हटेगा तो, लेकिन थीटा किसके बीच में होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है जीरो से पाई, मतलब जीरो से 180 में होना चाहिए, और ये तो 270 चला गया, मतलब 180 से पार चला गया, ठीक है ना। तो ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, ठीक ना। लेकिन यहीं पर लिखा होता सेक इनवर्स सेक पाई बाई सिक्स तो ये हट जाता, पाई बाई सिक्स मतलब 30 डिग्री, और जीरो से 180 में 30 डिग्री है तो पाई बाई सिक्स हो जाएगा, तो ये सही है, ठीक ना। अब ये हटा सकते, यहाँ नहीं हटा लेकिन यहाँ पर हट जाएगा तो पाई बाई सिक्स आएगा। तो इसका यूज हम करेंगे अगले क्लास में, ठीक है ना। जब भी हम अगला क्लास लेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे इसको यूज़ करना है। फिलहाल में इस रिजल्ट को आप समझिए और इस पर बेस्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अभी हम रिजल्ट बताएं, दो दिनों में मैंने क्या किया है आपको रिजल्ट अधिक से अधिक बताने की। अब जब कल हम क्लास लेके आएंगे, कल जो वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें इन्हीं दोनों रिजल्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन मैं कराऊंगा। आज बस हम रिजल्ट बताएं, पहले दिमाग में रिजल्ट बैठा लीजिए तब क्वेश्चन ज़्यादा समझ में, क्योंकि चल रहा है ऑनलाइन क्लासेज तो आप सामने तो बैठे नहीं हो कि मेरी बातों को समझ रहे हो और मेरी आप पूछ रहे हो मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा थोड़ा आप लोग क्या करिए, पहले रिजल्ट याद करिए कि कब कौन सा इधर जाएगा, कैसे कैसे हटेगा, उसके लिए रेंज क्या होगी। क्योंकि मुझे तो याद है जब मैं बिना रिजल्ट यहाँ लिखे करूँगा तो उसमें आपको मालूम होना चाहिए, तो समझ गए होंगे बातें, ये रिजल्ट आपको याद करनी होगी। और फिर मैं वीडियो लेकर आऊँगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे ये दूसरा वीडियो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, थर्ड वीडियो में मैं इन्हीं दोनों पे क्वेश्चन केवल कराऊंगा और उसमें अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन होंगे, लगभग
जब ये दोनों रिजल्ट पढ़ लोगे तो क्वेश्चन ईजिली आपके बनने शुरू हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।